जय गिन्नारी हर महादेव जय श्री कृष्णा। मैं हूँ कृष्णा पंडित और आज मैं लेकर आई हूँ द्वादश ज्योतिर्लिंग सत्रम, जिसे आप जरूर देखें, जरूर सुने और मेरे चैनल कृष्णा पंडित ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गिन्नारी। सौराष्ट्र से सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन नश्यति। सोमनाथ महादेव, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में सौराष्ट्र में स्थित है। मल्लिकार्जुन महादेव आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। महाकालेश्वर महादेव, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी में स्थित है। ओंकारेश्वर महादेव, यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। केदारनाथ महादेव, यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। भीमाशंकर महादेव, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नाम के पर्वत पर स्थित है। जिन्हें मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ महादेव, यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। काशी नगरी को वाराणसी एवं बनारस के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर महादेव, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के करीब नासिक जिले में स्थित है। वैद्यनाथ महादेव, यह ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत पूर्व बिहार प्रांत के संथल परगना के दुमका नामक जनपद में स्थित है। नागेश्वर महादेव, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारका के समीप स्थित है। रामेश्वर महादेव, यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नाम के स्थान पर स्थित है। त्रिशणेश्वर महादेव, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में संभाजी नगर के समीप दौलताबाद में स्थित है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम का स्मरण सायंकाल एवं प्रातःकाल पठन करने मात्र से सात जन्मों में किए गए पापों का नाश होता है और महादेव जी की कृपा प्राप्त होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गिन्नारी। मेरे चैनल कृष्णा पंडित ऑफिशियल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय गिन्नारी।